नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे टोटल 10 स्टॉक के जो टेक्निकल आउटलुक और अप ट्रेंड लेवल, डाउन ट्रेंड लेवल, उस बारे में चर्चा करेंगे। कल इन सभी 10 स्टॉक की रुझान क्या हो सकती है, कल उसके अप ट्रेंड लेवल और डाउन ट्रेंड लेवल क्या हो सकते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे टोटल 10 स्टॉक के नेम प्रोवाइड किए हैं और सभी स्टॉक के जो है टेक्निकल आउटलुक यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ये वीडियो मेडिटेशन पर्पस बनाता हूँ और जो भी टेक्निकल आउटलुक जो भी लेवल यहाँ पर मैं पेश करूँगा मेरे खुद के रिसर्च से। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी लेके ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे बताए गए लेवल पर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए चलते पहले बात कर लेते हम एपेक्स फ्रोजन के बारे में। एपेक्स का जो कंडीशन है फ्रेंड्स, ये ओवरऑल सेलिंग पोजिशन पे है, मैं ये जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। क्योंकि 30 डेज़ की क्लोजिंग प्राइस, 50 डेज़ की क्लोजिंग प्राइस को ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुके हैं और स्टॉक की प्राइस जो है दिन ब दिन घटती जा रही है और नीचे की तरफ अभी है और ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे है। तो उसका हम डाउन ट्रेंड लेवल और अप ट्रेंड लेवल नोट कर लेते हैं। अभी ये क्लोज हुआ है 476.80 पे। अगले दिन अगर ये 430 के नीचे सस्टेंस करते हैं फ्रेंड्स, 430 के नीचे, तो हम नीचे की तरफ एक बहुत ज़्यादा गिरावट देख सकते हैं। लेकिन जो नज़दीकी लेवल है वो नज़दीकी लेवल आप नोट कर लीजिए। नज़दीक लेवल रहेगा जैसे कि फ्रेंड्स 476.80 पे क्लोज हुए हैं, आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 435 तक का। और अगर ये 470 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम 430 और 434 का लेवल देख सकते हैं। अप ट्रेंड का लेवल नोट कर लीजिए। अगर ये 480 अराउंड 483 की लेवल को अगर ब्रेक आउट करके उसके ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम ऊपर की तरफ कम से कम 10 या 15 का लेवल देख सकते हैं। तो मैं ये सलाह देना चाहता हूं जिसने भी ये नेम प्रोवाइड किया, स्टॉक का नाम बहुत ही गिरावट में है, अगर आपने होल्ड करके रखा तो इसके बारे में अगर पूरा जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मैं अलग से उसका वीडियो डालूँगा, सब के लिए सेपरेट वीडियो डालूँगा, उसका पूरा फंडामेंटल रिपोर्ट जो है मैं उस पर पेश करूँगा, आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, IGL। IGL जो है फ्रेंड्स काफ़ी गिरावट आ चुकी है, इसमें ऑलरेडी साइडवे ट्रेंड में ट्रेड करते हुए एक लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए दोबारा उसमें देखिए आप लोग फाइनली लास्ट में 3 बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ है और एक मतलब कि एक लगातार 3 कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुए और फाइनली जाके एक सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है जो पहले रेजिस्टेंस था और अभी सपोर्ट बन के खड़े हुए हैं। तो अगले दिनों में कह सकते हैं कि ये ऊपर जाने की एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नज़दीकी एक रेजिस्टेंस लेवल है जो 30 डेज़ की क्लोजिंग प्राइस है। अगले दिन अगर 30 डेज़ की क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ हम ऑब्वियसली एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। तो लेवल नोट कर लीजिए, जैसे कि ये फ्रेंड्स क्लोज हुआ है 260.50 पे। अगर अगले दिन ये 264 अराउंड 267 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम ऊपर की तरफ लेवल देख सकते हैं 280 और 270। डाउन ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए फ्रेंड, डाउन ट्रेंड लेवल अगर ये 254 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम नीचे की तरफ लेवल देख सकते हैं 250 और 244 का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आप लोग देख रहे हैं इसमें काफ़ी गिरावट आ चुके थे हैं और अभी भी गिरावट में ही हैं और साइडवे ट्रेडिंग में ही ट्रेड चल रहे हैं। सेलर्स और बायर्स सभी दुविधा में हैं, सभी परेशान में हैं कि अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और बैंक NPA का भी एक रिज़ल्ट आउट हुआ था 26,000 का, तो आप लोगों ने शायद अंदाज़ा लगाया था कि ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है। तो चलिए उसका हम लेवल देख लेते हैं। अभी तो फिलहाल मैं इतना सा ही कहूँगा फ्रेंड्स, ये अभी तक भी ये सेलिंग पोजीशन पे ही, ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे है, लेकिन हमें एक सपोर्ट मिल रहा है नीचे की तरफ, एक नज़दीकी लेवल और काफ़ी दूर का एक लेवल मिल रहा है, तो आप लोग नोट कर लीजिए 263.40 पे क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर ये 265 ज़्यादा नहीं 265 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो आप लोग लेवल देख सकते हैं 268 और 270 अराउंड 272 का। डाउन ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए, अगर ये 260 के नीचे सस्टेंस करते हैं 260 तो हम नीचे की तरफ लेवल देख सकते हैं, 260 के नीचे अगर ये सस्टेंस करते हैं तो हम नीचे की लेवल देख सकते हैं 255 और 250 का।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं रैपको होम फ्रेंड्स। रैपको होम, रैपको होम जो है फ्रेंड्स काफ़ी गिरावट है उसमें। बीच में जो है एक दो दिन एक ही ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद अचानक उसमें गिरावट आई थी। और यहाँ पर 30 डेज़ की क्लोजिंग प्राइस भी 50 डेज़ की क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करते हुए जितने कैंडल अभी तक क्रिएट हो चुके हैं सभी कैंडल जो है 30 डेज़ और 50 डेज़ के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। और नीचे से हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो आप लोग जो है ये समझ लीजिए कि अभी तक ये रेपको होम जो ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे हैं, शायद और भी नीचे गिर सकते हैं। अगर आप उसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो और नीचे गिरने के बाद पोजीशन बनाना चाहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें और भी गिरावट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो चलिए उसका डाउन ट्रेंड लेवल और अप ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए। डाउन ट्रेंड लेवल अगर ये 550 के नीचे सस्टेन करते हैं तो आप लोग नीचे का लेवल देख सकते हैं 544 और 540। अप ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए, अगर ये 565 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो आप लोग 570 का लेवल देख सकते हैं। क्योंकि इस पोजीशन पे डाउन ट्रेंड से अगर वापसी आती है तो अचानक सी शायद एक उछाल आ सकती है, इसलिए आप लोग ये लेवल आप लोग आशा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपोलो टायर। अपोलो टायर जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, ओवरऑल बाइंग पोजीशन पे है, हर तरीके से बाइंग पोजीशन पे है। हमें यहाँ पर नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, सिर्फ एक नहीं तीन सपोर्ट मिल रहा है, 50 डेज, 30 डेज़ और पीवोट का जो लेवल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी 50 डेज़ की जो क्लोजिंग प्राइस 30 डेज़ के ऊपर है, 30 डेज़ 50 डेज़ के नीचे है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जितने सारे कैंडल हैं सभी कैंडल 50 डेज़ और 30 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है। तो हम हर तरीके से कह सकते हैं ये ओवरऑल बाइंग पोजीशन में है। तो आप लोग अप ट्रेंड लेवल और डाउन ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए। अगर ये 274 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो आप लोग 278 और 285 का लेवल देख सकते हैं। और अगर ये 263 के नीचे सस्टेंस करते हैं, 263, तो आप लोग गिरावट देख सकते हैं 260 एंड 252। नेक्स्ट स्टॉक हम बात करेंगे BEDL, वेदांता। वेदांता जो है काफ़ी गिरावट आ चुकी है, इसमें डाउन ट्रेंड में है। और वेदांता का एक न्यूज़ निकले थे, शायद आप लोगों ने सुने होंगे, उसका फैक्ट्री का जो है कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, जिस वजह से स्टॉक में और भी काफ़ी गिरावट आ चुके हैं। लेकिन अभी एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड करते हुए एक पोजीशन में चल रहा है और अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं 50 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस को पॉजिटिव ब्रेकआउट करने की। और फिलहाल आज तो 50 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट कर ही चुके हैं और उसके ऊपर ही क्लोज हुए हैं, और नीचे हमें 30 डेज़ भी एक सपोर्ट दे रहे हैं। तो हम आशा कर सकते हैं अगर अगले दिन ये गैप आप में ओपन होते हैं तो ऊपर की तरफ हम एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। तो अप ट्रेंड लेवल और डाउन ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए, लेकिन फिलहाल ये आप लोग नोट कर लीजिए कि अभी साइडवे ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड लेवल रहेगी 250, अगर ये 250 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम ऊपर के लेवल देख सकते हैं 253 एंड 260। डाउन ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए, अगर ये 245 के नीचे सस्टेंस करते हैं 245, अभी 246.55 पे क्लोज हुआ है, लेकिन नीचे का जो लेवल रहेगा 245 अराउंड 240, नोट कर लीजिए 245 अराउंड 240 के नीचे अगर सस्टेंस करते हैं तो हम लेवल देख सकते हैं कम से कम 230 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिर्ज़ा इंटरनेशनल। मिर्ज़ा इंटरनेशनल का जो कंडीशन है अभी ये भी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे है, 30 डेज़ 50 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन कर चुके हैं और जितने सारे कैंडल हैं 30 डेज़ और 50 डेज़ के नीचे हैं, और फिलहाल सभी कैंडल 30 डेज़ क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं और नीचे हमें एक नज़दीकी एक सपोर्ट मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये सेलिंग पोजीशन पे हैं, हालांकि ये एक बुलिश कैंडल लेके क्लोज हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अभी बाइंग पोजीशन पे है, ये ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे है। तो चलिए उसका अप ट्रेंड लेवल और डाउन ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए। डाउन ट्रेंड लेवल अगर ये 113 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो आप लोग लेवल देख सकते हैं 106 और 100। अप ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए, अगर ये 120 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो आप लोग लेवल देख सकते हैं 125 और 130 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइटन, ठीक है फ्रेंड्स। टाइटन का पोजीशन अभी फिलहाल ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे है, हर तरीके से सेलिंग पोजीशन पे है। अब चाहे जितना कोशिश करो ये बाइंग पोजीशन पे नहीं है, तो उसका हम अप ट्रेंड लेवल और डाउन ट्रेंड लेवल दोनों देख लेते हैं। इसका डाउन ट्रेंड लेवल रहेगा फ्रेंड, जैसे कि 863.95 पे क्लोज हुआ है, ज़्यादा नहीं है। अगर ये 858
फ्रेंड्स अगर ये 858 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो आप लोग कम से कम 850 और 843 का लेवल देख सकते हैं। अप ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए कि नज़दीक हमें लेवल मिला है जो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड से थोड़े से हल्के से लास्ट में कुछ टाइम तक साइडवे ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड करते हुए क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर थोड़े से भी उछाल आते हैं और अप ट्रेंड लेवल को अगर ब्रेकआउट करते तो हम ऊपर की तरफ एक उछाल देख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए अगर ये 867 के ऊपर सस्टेंस करते हैं 867 तो हम कम से कम 880 का लेवल देख सकते हैं 880। नेक्स्ट फाइनली हम इंजीनियर्स का बारे में चर्चा करेंगे। इंजीनियर्स अभी ये ओवरऑल सेलिंग पोजीशन में था लेकिन अभी मिडल बुलिश ट्रेंड पे हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड लेवल से सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करते हुए बाउंस करके ऊपर की तरफ जो है नज़दीकी 30 डेज की क्लोजिंग प्राइस के नज़दीक क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर ये गैप अप में ओपन होते हैं या फिर 30 डेज की क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक अप करते हैं यानी ब्रेकआउट करते हैं तो हम ऊपर की तरफ ऑब्वियसली एक उछाल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड लेवल और अप ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए। डाउन ट्रेंड लेवल रहेगा अगर ये 126 के नीचे सस्टेंस करते हैं 126 तो नीचे की तरफ हम 120 और 124 का लेवल देख सकते हैं। अप ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए अगर ये 133 के ऊपर सस्टेंस करते हैं 133 तो हम ऊपर की लेवल देख सकते हैं 135 और 140। तो फ्रेंड्स टोटल 10 स्टॉक के बारे में मैंने चर्चा किया, हमें आशा है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मैं FX Frozen जो है उसके बारे में अलग से वीडियो डालूंगा और टाटा मोटर्स का अलग से वीडियो डालूंगा, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लग रहे हैं ये दोनों स्टॉक के जो टेक्निकल और फंडामेंटल जो भी रिपोर्ट है मैं पेश करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।